नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं पतंजलि के रिनोग्रेट के बारे में। क्या क्या इसके बॉडी के अंदर फायदे होते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसको लेना चाहिए, और कुछ साइड इफेक्ट होते भी हैं या नहीं होते हैं, और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सपोर्ट कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डोज की पहले हम बात करते हैं, तो आपको 1 से 2 गोली इसको हमें लेनी है। सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसका सेवन करना है, गुनगुने पानी से, और क्रश करके अगर लोगे तो ज्यादा फायदा करेगी। फिर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 240 रुपए की मात्र 60 टेबलेट आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर कुछ डायूरेटिक द्रव्य होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इसके अंदर गोखरू होता है और पुनर्नवा मूल होता है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, किडनी को साफ करते हैं, और एक्स्ट्रा फ्लूड जो बॉडी के अंदर भर जाता है या किडनी के अंदर भर जाता है उसको भी शरीर से बाहर निकालते हैं और किडनी को भी साफ करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले, इसके अंदर स्टोन को तोड़ने वाले द्रव्य होते हैं, जैसे कि इसके अंदर पाषाण भेद होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वरुण भी इसके अंदर होता है। ये दोनों के दोनों आयुर्वेद में जो है अश्मरी हर बोला है, यानी कि किडनी के स्टोन को ये तोड़ तोड़ के शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके अलावा ये किडनी को, यूरेटर को, यूरेथ्रा को भी साफ कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले इंग्रेडिएंट की, तो इसके अंदर काशनी इसके अंदर होता है, अपामार्ग इसके अंदर होता है। ये दोनों के दोनों द्रव्य जो होते हैं बैस शोधक द्रव्य होते हैं, जो किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके अलावा लीवर को भी बेस्ट डिटॉक्सिफाई करते हैं। फिर अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर प्लास भी होता है। प्लास जो होता है आयुर्वेद में कृमिघ्न बोला गया है, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल इसका वर्क होता है। फिर हम इसके फायदे की बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में हमें इसको लेना चाहिए। हम कंडीशन की बात करते हैं, तो किसी को यूटीआई जैसी समस्या है उसको भी इसका सेवन करना चाहिए। फिर किडनी स्टोन किसी को है तो उसको भी सेवन करना चाहिए। मल्टीपल स्टोन के कारण किसी की किडनी में पानी भर गया है उसको भी इसका सेवन करना चाहिए। उसके अलावा किसी को डायबिटीज है और लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज है, यानी शुगर है, और जिसके वजह से आपकी किडनी इफेक्ट हो गई है, यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी इसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकार होती है। फिर मैं बात करता हूँ इसको किडनी फेलियर में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जिसमें क्रिएटिनिन 7 से ऊपर है। तो आपको सिर्फ ये द्रव्य नहीं इसमें वर्क करेंगे, अदर और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये लाभदायक होगी। फिर हम बात करते हैं मूत्राशय में इसका सेवन कर सकते हैं, उसके अलावा किडनी निष्क्रिय हो गई है तो उसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सब रोगी के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आपको मेरे से पर्सनल परामर्श लेना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फिर मैं बात करता हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर मैंशन कीजिए, मैं जरूर आपका रोग का जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। फिर मैं बात करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।